बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन में दनली में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट केक। रेड केक ये बर्थडे केक भी है, पार्टी केक भी है और ईद केक भी है। घर में कोई फंक्शन हो, पार्टी हो या आपने कहीं जाना हो या गेस्ट आ रहे हो उनके लिए भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं इसके लिए चाहिए। तो चलिए अपनी रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दो अंडे लिए हैं, एक कप चीनी, हाफ कप दूध, मैदा दो कप, कुकिंग ऑयल हाफ कप। अब मैं ये ब्लेंडर में बना रही हूँ, जग मैंने लिया, उसमें अंडे डाले हैं, कुकिंग ऑयल ऐड किया, चीनी, दूध, इसको मैं ब्लेंड करूँगी और एक अच्छा सा हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा बैटर तैयार हो जाएगा। अब मैंने एक बॉल लिया, उसमें निकाल लिया इनको और बेकिंग पाउडर मैंने 3 टीस्पून लिया, एक छन्नी ली है उसमें मैंने मैदा डाला है, साथ ही बेकिंग पाउडर डाला है, कोको पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल नमक लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लिया मैंने, तकरीबन 1 से 1.5 चुटकी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं छान के, तो ये साथ साथ ही चम्मच हल्के हाथ से चम्मच हलाना, आपने बहुत ज़ोर से या बहुत स्पीड से नहीं करना, बस इनको ऐसे ही मिक्स करते जाना है। मैं तो ऐसे छानती जाएँ और साथ साथ आप उसको मिक्स करते जाएँ ताकि हमारी कोई भी इसमें गुठली वगैरह ना बने, हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। एक पेस्ट अच्छी तरह से हमें तैयार करना है और ऐसे ही आपने बस इसको करना है। अब हमारा जो बैटर है रेडी है। अब मैंने यहाँ लिया थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेस और फूड कलर लिया यहाँ रेड कलर, वो मैंने पहले थोड़ा सा डाला है और वो कम था, फिर मैंने थोड़ा सा और डाल के इसको मिक्स किया, जैसे हमें रेड केक में चाहिए था कलर वैसा ही बिल्कुल तैयार हो गया। अब एक मैंने मोल लिया, उसमें मैंने ब्रश से कुकिंग ऑयल लगाया, साथ ही बटर पेपर के ऊपर भी मैंने ऐसे ब्रश से ऑयल लगाया, कुकिंग ऑयल, और साथ ही हमारा जो बैटर है वो हमने मोल में डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ज़मीन पे मारेंगे ताकि कोई भी बबल या कोई हवा हो ठीक हो जी। एक देगचा लिया, उसके अंदर स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर हम अपना ये मोल रखेंगे और साथ ही देगचे के ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। मैंने देगचा प्री हीट नहीं किया, ठंडे में ही रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं टावल रखूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे बेक करूँगी। पहले मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच रखी है, मीडियम से लो फ्लेम करके इसे 15 से 20 मिनट ऐसे बेक किया और ये अब ढक्कन उठा के देखा तो माशाल्लाह हमारा केक रेडी है। अब इसको मैं आराम से निकाल लूँगी, पहले थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, फिर अब निकाल लिया। अब छुरी से मैंने पहले ऊपर से इसको काटा है और काट के ये देखिए अंदर से बिल्कुल हमारा रेड कलर का केक जैसे हमें चाहिए था वैसे ही तैयार है। साइडें भी मैंने केक की काट ली हैं। अब इसको मैं शेप दूंगी कि जो बिल्कुल हमें गोल हमें चाहिए उसी तरह का, बाकी जो केक है वो हमने फेंकना नहीं है। उसके ऊपर वाली ये देखिए जो मैंने पीस पहले काटा था, हार्ट शेप ली है उसी से मैंने इसकी शेप बना ली है, हार्ट जैसे हमें चाहिए थी इसी तरह मैं सारी शेप बना लूंगी। बाकी भी जो ऐसे पीस बचे हुए हैं केक के वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, उनका हमने चूरा बना लेना है। और ये देखिए हाथ की मदद से ऐसे हमने बिल्कुल नरम हाथ से ऐसे हल्का हल्का करेंगे तो वो बिल्कुल चूरा बन जाएगा केक, कोई भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैंने सारा ये चूरा बना लिया और केक को और इन सारी चीज़ों को मैंने फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख लिया। अब यहाँ मैंने ले लिया व्हिपिंग क्रीम और ये तकरीबन 200 ग्राम है। अब इसको मैं जो है वो बीटर से हैंड बीटर से बीट किया है, ये देखिए इस तरह आपको लगेगा कि जैसे ये बीट हो गई लेकिन बीट नहीं हुई, इसको हमने और बीट करना है। ये जब हम इतना बीट करेंगे कि बॉल को उल्टा कर दें तब भी ये ना गिरे तो फिर आपकी जो है ये व्हिपिंग जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है, केक पे आप लगा सकते हैं। इसमें मैंने जो सिरका है वो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया था ताकि हमारी जो क्रीम है ना वो बिल्कुल भी जो जब हम केक पे लगाएं तो वो गिरे ना। अब मैंने केक का पीस रखा, उसके ऊपर क्रीम लगाई है व्हिपिंग और उसके ऊपर दोबारा मैंने ये केक का रखा है पीस और उसके ऊपर भी इसी तरह मैंने लगा लिया क्रीम, फिर दोबारा मैंने
केक का पीस रखा और उसके ऊपर भी ऐसे क्रीम मैंने अच्छी तरह से चम्मच से लगा लिया। अब साइडों पे भी इसी तरह लगा लूँगी और साथ साथ मैं इसको घुमा के अच्छी तरह से जो है ना वो सेट कर लूँगी। एक मैंने छुरी लिया, ये देखें उसके आगे जो है वो एक जैसे कंघे का बना होता है उसी तरह बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गत्ते को भी ऐसे काट के उस पर बना सकते हैं या बाज़ार से भी मिल जाती है इस तरह की शेप, तो उससे भी बना सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से ये देखे सेट किया है, साइड भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको घुमा के केक को, तो वो अच्छी तरह से इसको के गोल शेप जो है वो हमने बनानी है उसी तरह मैंने कर ली है। अब जो ऊपर वाली है उसको भी बड़े ही आराम और नरम हाथ से करना, साथ साथ हमने ध्यान रखना कि जिस चीज़ से या छुरी से हम कर रहे हैं क्रीम सेट उसको साथ साथ हमने साफ़ करते जाना। जितनी अच्छी आपकी छुरी होगी उतना अच्छा आपका केक रेडी होगा। अब जो छुरा बना के रखा है वो केक की साइडों पे ऐसे लगाती जाऊंगी ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, और जो एक्स्ट्रा गिरा था छुरा वो मैंने ऐसे छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता घुमा के वो साइड पर काट लिया। अब जो हार्ट शेप बना के रखी है वो भी केक के ऊपर ऐसे लगा लूँगी, वो एक एक करके मैंने ऐसे किनारों पे रखती ही हूँ, और ये सारा ये देखें अच्छी तरह से लग गया। ऊपर से मैंने ये शेप रख के थोड़ा सा प्रेस किया, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो आप रख के ज़रा सा फिंगर से प्रेस करेंगी तो वो उसके अंदर क्रीम के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब मैंने एक स्टिक ली है उसके ऊपर हार्ट शेप ऐसे लगा के केक के ऊपर ऐसे लगा ली है, ऐसे ही मैंने इनको सेट कर लिया। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस कोई भी शेप दे लें, किसी तरह का भी बना लें। अब जो चूरा वो सेंटर में ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है और ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है, बर्थडे केक है। आप बर्थडे बनाएं बच्चों की, बड़ों की, या कोई भी फंक्शन उसमें आप करें। आपको मेरी रेसिपी लगी अच्छी लगी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मम्मा हाँ जी पकड़ के बाबा जी दे मम्मा नहीं नहीं बाबा नहीं।